केवल ज्ञान के लिए श्रम करते हैं वो जड़ है, किसी अधीन के लिए। तो ज्ञान के लिए प्रयास करना जड़ता है क्या? तो ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञानी भी तो भक्त होते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जनो आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी। ज्ञानी तो भक्त है। चार प्रकार के मेरे भक्त होते हैं, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी। तो ज्ञानी भी हमारा भक्त है। और यहाँ तक कह दिया कि उदारा सर्वे वही थे ज्ञानी त्वाय आत्मा मतम। ये यद्यपि सभी उदार हैं, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी सभी उदार हैं, लेकिन ज्ञानी मेरी आत्मा है। और यहाँ तक कि मानस में भी कहा है, राम भगत जग चारि प्रकारा और सुकृति चारि अनघ उदारा, कहूँ चतुर कह नाम प्यारा, कहूँ चतुर कह नाम अधारा, और ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। राम के भक्त चार प्रकार के होते हैं, चारों सुकृति हैं, चारों निष्पाप हैं, चारों उदार हैं, चारों चतुर हैं, और सब नाम का अवलंबन रहने वाले हैं, लेकिन ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा है। ज्ञानी भक्त भगवान को विशेष प्रिय है। तो कोई व्यक्ति यदि ज्ञान के लिए प्रयास करता है तो वो तो भक्ति का ही प्रयास कर रहा है। तो यहां जड़ कैसे कह दिया तुलसीदास जी ने? बोले बात यह है कि जहां से ज्ञान मिल सकता है वहां जा नहीं रहा है। कहते हैं जे अस भगत ज्ञान परिहर ही केवल ज्ञान हेतु सम कर ही ते जड़ काम धेनु गृह त्यागी खोजत आख ग्रह पहला गी। घर में काम धेनु बंधी है, काम धेनु को दोहरो जितना दूध चाहे निकाल लो, तो काम धेनु को तुम छोड़ देते हो और काम दूध के लिए आग ढूंढेंगे। तो आग से जो दूध निकलता है, अगर कामधेनु का दूध आंख में आ जाओगे तो आंख के रोग दूर हो जाएंगे, और आंख का दूध आंख में लगाओगे तो आंख फूट जाएगी। तो भाई भक्ति को छोड़ के ज्ञान के लिए प्रयास मत करो। भक्ति ज्ञान आए कल्प से, भक्ति से ही ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। इसलिए ज्ञाने प्रयास मुदपाश नमंते, ज्ञान के लिए प्रयास करना छोड़ो और केवल भगवान को नमस्कार करें। योशि तो सोशि तव चरण नमामि, आप जो भी हैं तव तत्व में जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादिशोष महादेव ताजसाय नमो नमः। हे भगवान, हम आपके तत्व को नहीं जानते कि आप कैसे हैं, लेकिन आप जैसे भी हो वैसे ही हम आपको नमस्कार करते। तो हम आपके ज्ञान के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, केवल आपको नमस्कार ही करते हैं। जीवन्ति सन्मुखरिताम् भवदीय वार्ताम्, और अपने जीवन का साधन जिन्होंने आपकी कथा के श्रवण को बना लिया है। कौन सी कथा? सन्मुखरिताम्, सत्पुरुषों के मुख कमल से विलिषित कथा सदा के पान को जिन्होंने अपना जीवन बना लिया है। बस वही वो जीवन है।
जीवन की ऐसा है कि यदि बाप का बेटा जीवित रहा तो पिता माँ की जो संपत्ति है वो उसका खुद ही अधिकारी हो जाता है, जीवित वर्ग है। अगर जीवित रहता है तो बाप चाहे उसके लिए वसीयत करे न करे, अगर वो बेटा जीवित है तो उसकी संपत्ति का वो अधिकारी हो जाएगा। तो बस जीवित रहे तो हम भगवान के भक्त हैं, जीवित रहें। कैसे जीवित रहे? आपके भक्तों के मुख कमल से विनिश्चित आपकी कथा सदा का पान करके जीवित रहें। जीवंति सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम, आपकी कथा सुनते जाएं। का ऐसी कथा सुनने के लिए कहाँ जाए, का कहीं मत जाओ, स्थान है अच्छी का, अपने घर बैठो। महापुरुष सदा घूमते रहते हैं, भगवत कथा का वितरण करते रहते हैं, तो वो वहाँ अभी जहाँ तुम बैठे हो वहीं आ जाएंगे। ब्रह्म सिंधु घन सजनधीरा चंदन तरुहरी संत समीरा। ब्रह्म जो है समुद्र है और धीर सज्जन घन है, मेघ है, वो वेद रूपी समुद्र से जल लेकर मेघ बनकर जगह जगह वेद का अर्थ समझाते हैं। और ये कवि समय प्रसिद्धि है, मल्याचल नाम का एक पर्वत है, वहाँ पर एक वृक्ष चंदन का होता है और दूसरे जितने भी वृक्ष हैं दूसरी जाति के, उस वृक्ष की हवा से वो भी चंदन बन जाते हैं। इसी तरह से चंदन तरु हरि, भगवान जो है चंदन के तरु हैं, और संत समीरा, संत जो है समीर बनकर सबको भगवतमय बना देते हैं। ब्रह्म सिंधु घन सज्जन धीरा चंदन तरुहरि संत समीरा। ये जो संत समागम है ये चलता फिरता प्रयाग है, वो प्रयाग तो वहां जाना पड़ेगा, यहाँ अपने घर में बैठे रहो, थोड़ा घर से निकलना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, लेकिन कथा सुनने को मिल जाएगी। तो स्थान सीता का हम साधु बन जाएंगे, करे कहीं मत बनो, यहीं बैठो भगवान की कथा सुनो। थाने जी कैसे तो प्रदीप थाने माने ठीक है, जो मनुष्य भगवान की कथा को अपना जीवन बनाता है वो स्थान है, माने उचित रास्ते पर चल रहा है। तो आपकी कथा को तन वांग मनो भी, शरीर से वाणी से और मन से आपकी कथा को सुने। और शरीर से कैसे सुने?